इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेक्शन में एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन या फिर टाइट्रीमेट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ एन अनदर सॉल्यूशन। Means that titration process involves the addition of solution of known concentration, जिसको हम titrant कहेंगे, from burette to the measured volume of analyte in the conical flask. Titration process involves the addition of solution of known concentration को हम टाइट्रेट कहेंगे, from burette to the measured volume of analyte to the measured volume of वैसा सॉल्यूशन का मेजर्ड वॉल्यूम रहेगा लेकिन उसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता रहेगा, तो उसको हम एनालाइट कहेंगे। तो अब हम जानते हैं आगे टाइट्रेंट और एनालाइट के बारे में। तो एनालाइट प्लस टाइट्रेंट हमारा टाइट्रेशन प्रोडक्ट देगा। क्लियर है? यहां दो टर्म आपको सुनने को मिल रहा है, एक एनालाइट है और फिर दूसरा आपका टाइट्रेंट है। सबसे पहले हम एनालाइट के बारे में जानते हैं। तो एनालाइट आर द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन बट नॉन वॉल्यूम, मतलब इसका यही हुआ कि एनालाइट का ही हमें टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेंट जिसका हमें आपको अननोन कंसंट्रेशन जो एनालाइट का मिस कोई कंपाउंड का है जो हमें दिया हुआ है उसका टाइट्रेशन करके उसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, और टाइट्रेंट आपका वैसा सॉल्यूशन है जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन क्लियर है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन
द कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गिवन, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बिटवीन द एनालाइट एंड द टाइट्रेंट, या फिर इसको हम रिएजेंट भी कहते हैं। आप एक से दो स्टैंडर्डाइजेशन या फिर टाइट्रेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मैं बता रहा हूं, एनालाइट हमारा सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन होता है, और जो मेरा टाइट्रेंट होता है वो हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे, टाइट्रेशन फिर करेंगे, जैसे आपको डाई सोडियम इडिडेट का हम करेंगे, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे कंपाउंड का करेंगे, तो क्लियर आपको हो जाएगा। एक दो करेंगे आप तो आपको इसी थ्योरी में भी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम ये जान लें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको कहेंगे। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे जिसका हमें कंसंट्रेशन पता हो। सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम टाइप्स जाने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट हमारा आएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप नोट्स बनाते चलिए, आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बारी बारी से हम दोनों के बारे में बताएंगे आपको। जो प्राइमरी होता है ये हमारा सबसे प्योर होता है सेकेंडरी से भी। फर्स्ट हमारा है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है। इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, आखिर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट ए, ये हमारा सबसे ज्यादा प्योर रहता है, एक्सट्रीमली प्योर। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका है स्टेबल रहता है, हाईली स्टेबल। थर्ड प्रॉपर्टी है ये इजिली वेट हो सकता है, इसका कैन बी वेट इजिली। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम एग्जांपल जाने, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 या फिर KHP। KHP मतलब पोटेशियम, H फॉर हाइड्रोजन, थैलेट, P फॉर थैलेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बाद सेकेंड जो हमारा है वह हमारा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
यह आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम प्योर रहता है। इट हैज ऑल्सो सम सर्टेन प्रॉपर्टीज। लाइक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो फर्स्ट है, लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड ये लेस स्टेबल भी है, मतलब जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे ये सब चीज में कमजोर है, ये आप कह सकते हैं लेस स्टेबल देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। एंड थर्ड हमारा है ये इजिली वेट भी नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी वेट इजिली, मीन्स दैट एक्यूरेटली आप इसका वेट नहीं सही से कर सकते हैं इजिली। एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हमेशा याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं, कुछ टर्म्स जानते हैं टाइट्रेशन में जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, आप उसको बोलेंगे जैसे इंड पॉइंट। मतलब इंड पॉइंट क्या, इंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप ये देखिए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और आप एक इंडिकेटर के हेल्प से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वैसे सबसे पहले हम इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ amount of two reactants are just equal। ये याद रखना है कि sorry are just equal नहीं है, are just equivalent। आपको main difference यही याद रखना है, equal नहीं है। इक्वल मतलब अगर आपका 10 ml एनालाइट है तो आपका 10 ml ब्यूरेट से क्या निकलेगा, ब्यूरेट से आपको एक टाइट्रेंट निकलेगा, कुछ भी हो सकता है टाइट्रेंट। अगर एसिड आपका एनालाइट है तो बेस आपका टाइट्रेंट होगा, बट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट आपका इक्विवेलेंट है। ऐसा जरूरत नहीं है कि 10 ml आपका एनालाइट है तो 10 ml ही आपका टाइट्रेंट होगा, आपका 10 ml एनालाइट है तो आपका 20 ml भी टाइट्रेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको समझने वाली बात है ये। उसके बाद जो सेकेंड है वो हमारा है इंड पॉइंट। इंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज The reaction is observed to be completed. And this point is usually observed by with the help of indicator. क्लियर है, ये हमारा इंड पॉइंट होगा। इंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मींस दैट एनालाइट और टाइट्रेंट में कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। और इस पॉइंट को यूजुअली ऑब्जर्व इंडिकेटर के हेल्प से करा जा सकता है, ठीक है। अब हम इंडिकेटर का बात है तो अब इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमारा एक एक्सिलरी सब्सटेंस है जिसके हेल्प से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि टाइट्रेशन प्रोसेस का कंप्लीशन हो रहा है इंड पॉइंट पे। मींस दैट इंडिकेटर इज एन एक्सिलरी सब्सटेंस
which helps in the usual detection of the completion of the titration process. एट द एंड पॉइंट. अब हम इंडिकेटर का एग्जाम्पल जाने तो टाइट्रेशन में बेसिकली यूज होता है, तो वो हमारा फर्स्ट है मेथाइल ऑरेंज, सबसे ज्यादा यूज होता है. उसके बाद मेरा है क्रेसोल रेड, स्टार सॉल्यूशन भी होता है, ये सब याद रखिएगा, ये सब वाइवा में पूछा जाता है. उसके बाद है मेरा फेनाफ्थेलिन, फेनाफ्थेलिन. अब इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म कुछ जानेंगे. बेसिकली आपको कंसंट्रेशन टर्म ही तो निकालना है टाइट्रेशन से, अननोन सॉल्यूशन का अननोन कंसंट्रेशन किसी भी एक सॉल्यूशन जो दिया है उसका. तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म जानते हैं. तो हमें मेनली जानना है कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी और नॉर्मलिटी. ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स द टाइट्रेंट, मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन नोन है, आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन इन यूनिट्स ऑफ आइदर मोलारिटी, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, या सीएम से, या फिर और नॉर्मलिटी, तो हम एन से या फिर एन से. क्लियर है? ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब टाइट्रीमेट्रिक कैलकुलेशन होगा तो उसमें लॉ ऑफ जो इक्विवेलेंस का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आएगा, एन ए वी ए इक्वल टू एन एस वी एस, इसमें आपको ये काम आएगा. या फिर एक फॉर्मूला होगा एम ए वी ए इक्वल टू एम एस वी एस. ठीक है, इसको हम एन ए वी ए को एन वन वी वन इक्वल टू एन टू भी लिख सकते हैं, और एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ एन वन या एन ए हमारा जो एनालाइट यूज करेंगे उसका हमें नॉर्मलिटी ये होगा, और वी ए जो मेरा जो एनालाइट हम यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम होगा. ये हम आगे फिर कैलकुलेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें जानेंगे. अब हम सबसे पहले मोलारिटी के बारे में जानते हैं. मोलारिटी क्या होता है? ये एम से डिनोट होता है, कैपिटल एम से. मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यह हमारा मोलारिटी हो गया. और जो मेरा सेकेंड है टर्म था वो हमारा था नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. तो नॉर्मलिटी इज द इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट
weight of solute dissolved in 1 liter. Dissolve per liter of solution, ये हमारा normality हो गया। अब मोलारिटी के बाद एक टर्म भी इसमें भी आता है, मोलालिटी। मोलालिटी के बारे में अब जानते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर किलोग्राम, एक तो किलोग्राम और ये हमारा सॉल्वेंट में होगा और यहाँ मेरा पूरा सॉल्यूशन में होगा। अब हम टाइटोमेट्रिक कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं, टाइटोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो टाइटोमेट्रिक कैलकुलेशन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जिसमें फर्स्ट हमारा है NaVa इज इक्वल टू NsVs, जिसको हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 न्यूमेरिकल में बेसिकली यूज करेंगे। हम जानेंगे Na या फिर N1 क्या है, ये दोनों सेम है। ये फर्स्ट हमारा हो गया फर्स्ट, और जो मेरा सेकेंड है वो हमारा है, ये हमारा नॉर्मलिटी के बेस पे है, ये है हमारा मोलारिटी के बेस पे। MaVa इज इक्वल टू MsVs। अगर हम Ma को M1, Va को V1 मान ले तो ये हमारा M2V2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम ये जानेंगे कि Na मेरा क्या था, Na या N1, ये हमारा है एनालाइट का नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ एनालाइट। या आप किधर भी डालोगे तो आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। और Va या V1 मेरा क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एनालाइट है। ये ऐसे ही मान के बनाइएगा तो आपका कोई गड़बड़ी नहीं होगा, हमेशा सेम ही मानना है आपको। Ns या फिर N2 मेरा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और Vs या V2 यह हमारा वॉल्यूम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, ये ब्यूरेट के रीडिंग से आपको पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसी तरह से जो हमारा Ma है, हम इसी में लिख देते हैं, Ma है वो हमारा है मोलारिटी ऑफ एनालाइट, या फिर इसको Ma है तो ये हमारा M1 भी है। और Ms या फिर M2 हमारा है मोलारिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और V1 V2 तो मेरा सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ एनालाइट और वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आपको टाइटोमेट्रिक कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अब आगे हम टाइटोमेट्रिक एपरेटस देखेंगे। ये हमारा टाइटोमेट्रिक एपरेटस है। तो सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपको एनालाइट रखना है। मींस दैट हमारा 20 ml जो एसिड सॉल्यूशन इसमें हम पिपेट के द्वारा रख रहे हैं, ये हमारा एनालाइट होगा।
एनालाइट जिसका वॉल्यूम नोन रहता है, कंसंट्रेशन बट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, ये हमारा एनालाइट है, ठीक है। ये जो हमारा, ये हमारा स्टैंड होगा, ये हमारा ब्यूरेट है। तो ब्यूरेट में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जिसका रीडिंग यहाँ 0 से शुरू होगा और इनिशियली, और ये 50 तक बेसिकली जो आपको लैब में जो मिलेगा ब्यूरेट उसमें रहता है, 50 तक रीडिंग रहता है, 50 ml तक। तो अगर हम 20 ml एसिड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे इसका, तो हमें यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन लेना होगा। और कोनिकल फ्लास्क हम नीचे रखेंगे स्टैंड पे, ये हमारा स्टैंड है। और धीरे धीरे हम यहाँ, आपको क्लिप लगा होगा, है क्लिप, इससे हम ब्यूरेट से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इसमें ड्रॉप वाइज नीचे गिराएंगे, ड्रॉप वाइज ही। फाइनली यहाँ पे जब ब्यूरेट का रीडिंग आपको, मतलब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारा ब्यूरेट का फाइनल रीडिंग होगा। यहाँ पे आपका यहाँ फाइनल रीडिंग आया है, अप्रोक्सीमेटली ये 45 ही होगा। और ये हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा है, मींस दैट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इंडिकेटर जब इसमें हम डालेंगे तो फुली कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरेट में हमारा टाइट्रेंट होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब ब्यूरेट टाइट्रेंट होगा। और फ्लास्क, जिस कोनिकल फ्लास्क हम यूज कर रहे हैं ये वाला, इसमें एनालाइट होगा। और लास्ट में हमारा एक ऐसा कंडीशन आएगा जब हमारा रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगा, एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में वो हमारा इंड पॉइंट हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो इसको आप डायग्राम को बना लीजिएगा। अब हम टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन जानते हैं, कितने तरह के होते हैं टाइट्रेशन। तो सबसे फर्स्ट हमारा है एसिड बेस टाइट्रेशन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड हमारा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, थर्ड हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन, और फाइनली फोर्थ हमारा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब बारी बारी से हम एक एक को जानेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इन एसिड बेस टाइट्रेशन ए सैंपल ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज एस्टिमेटेड विथ अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस और वाइस वर्सा। इन एसिड बेस टाइट्रेशन अ सैंपल ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज एस्टिमेटेड विथ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ बेस या फिर विद अ नॉन कंसंट्रेटेड बेस और वाइस वर्सा। तो हम डायग्राम पे फिर से चलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमें एनालाइट मिला है, हमको एसिड सॉल्यूशन हमें एनालाइट मिला है, तो यहाँ पे हमें बेस सॉल्यूशन मेरा टाइट्रेंट है। तो यह हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का ही हमारा एक एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
और वाइस वर्सा का मतलब जो एसिड सॉल्यूशन हमारा एनालाइट था, अगर हमें बेस सॉल्यूशन का अगर टाइट्रेशन करना होता, बेस सॉल्यूशन का अननोन कंसंट्रेशन रहता, बट उसका मतलब यहाँ पे बेस सॉल्यूशन रहता है एसिड सॉल्यूशन की जगह पे, तो यहाँ हमारा ब्यूरेट में जो टाइट्रेंट है वो हमारा एसिडिक होता और एनालाइट हमारा बेसिक होता। वाइस वर्सा का मतलब वही है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है वो हमारा है कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट। तो हम अब जानते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, द एंड पॉइंट इज सीम्स बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये हमारा हेवी मेटल के केस में होता है। हियर टाइट्रेंट एंड एनालाइट रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टिल एंड पॉइंट इज रीच्ड। वंस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड वो हाईली स्टेबल हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल एंड नॉट फर्दर रिएक्शन विल टेक प्लेस। एग्जाम्पल कैल्शियम प्लस डाइसोडियम इडिटेट ईडीटीए। यह हमें ईडीटीए माइनस ईडीटीए काम में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी करना है। थर्ड हमारा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होगा। ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट। क्लियर है? अब जो मेरा फोर्थ है वो हमारा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इस केस में हमारा एंड पॉइंट पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो हम इंडिकेटर के हेल्प से उसका कलर चेंज करते हैं। इसमें मोहर्स मेथड हमारा बेस्ट मेथड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। द टाइट्रेशन
which are based on the formation of insoluble precipitates when the solution of two reacting substances मीन्स दैट एनालाइट टू रिएक्टिंग सब्सटेंस में एक हमारा एनालाइट होगा और एक मेरा टाइट्रेंट होगा आर ब्रॉट टुगेदर या ब्रॉट इन कंटैक्ट विथ ईच अदर आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन अब हम फील्ड ऑफ यूज ऑफ टाइट्रेशन जानेंगे व्हाट इज द फील्ड ऑफ यूज ऑफ टाइट्रेशन फील्ड ऑफ यूज ऑफ टाइट्रेशन इसके बाद हम एडवांटेज जानेंगे और मेरा टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा तो टाइट्रेशन इज अ वाइडली यूज्ड या अप्लाइड एनालिटिकल टेक्निक सम ऑफ Some areas where titration is used are given are मेरा एग्रीकल्चर में टाइट्रेशन का यूज होता है ऑयल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री Pharmaceuticals, and food industry. क्लियर है अब हम एडवांटेज जानेंगे टाइट्रेशन का एडवांटेज ऑफ टाइट्रेशन तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है Titration is an established analytical technique. सबसे जाना पहचाना हमारा analytical technique titration है analytical technique. Second हमारा advantage है ये बहुत fast होता है देख रहे हैं एक थोड़ा देर में आपको result है आप कर रहे हैं टाइट्रेशन उतना देर में ही अगर आप लैब में करते तो आपका रिजल्ट एट ए टाइम मिलता है इसमें कोई इंतजार करने वाला नहीं होता है कि एकदम स्लो रिएक्शन होगा इसलिए इट इज फास्ट थर्ड हमारा एडवांटेज है इट इज वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टेक्निक और मेरा एडवांटेज है इट कैन बी यूज्ड बाय लो स्किल्ड एंड लो ट्रेंड ऑपरेटर्स इट कैन बी यूज्ड बाय लो स्किल्ड एंड लो ट्रेंड ऑपरेटर्स मीन्स दैट इसमें आपको केमिकल नॉलेज का हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं होना है आप लो स्किल्ड भी हैं तो आप तब भी एनालिटिकल प्रोसेस कर सकते हैं मींस दैट आपको टाइट्रेशन एनालिटिकल टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं
नो नीड फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल नॉलेज। आपका टाइट्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको हम प्रैक्टिकल एक एक करके बता देंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।